अरे हा माहू ओ मैं जई बई पैया चारई लाल आगे तू रसी चारई नारारा खाना देना हे भैया हे देवी मां चारई लाल आ देवी मैया हा तू रसी चारई नारारा नजी आज धारा मा हे बाजा मास्टर हेलो ए देवी मैया अरे तुलसी चौराई तारा बाजी अरे तुलसी जाएगा बस बचेगा नहीं बचेगा मैं नहीं नहीं जाऊंगा बेटा रानी रेशमा मुझको पर बहुत काहे दिन से आशिक हुई है तो मैं कैसे जा सकता हूँ अरे सुदर ले असरी रवाना बाबू रे क्या माँ अरे कोढ़िया के बेदर भान अच्छा बेटा क्या इसमें तेरा सुंदर सन शरीर कंचन है इसका मैं कोढ़िया का रूप धारण भी बना देती हूँ और तय कोढ़िया का रूप धारण कर करके वहाँ तुलसी चौरा इनार पर पानी के आधार से जाना और जाकर रानी रेशमा से आप एक चुल्लू पानी का आधार मांगना माँ क्या ये बताइए कि जब कोढ़ी के भेष में जाऊंगा तो क्या रानी रेशमा तो पहचान पाएगी नहीं नहीं कभी नहीं पहचानेगी तो ठीक ही माँ ये उपाय अच्छा है कि जब कोढ़ी के भेष में जाऊंगा तो रानी क्यों पहचानेगी कि आपको साथ कुछ भी कर सकती है हाँ, हाँ। तो ठीक है माँ मैं जाता हूँ लेकिन माँ जब कोढ़ी का भेष में जाऊंगा वहाँ कोई ऐसा बात आ जाएगा तो मैं कैसे कंचन दे हो सकता है बेटा उसी समय मेरा आप मन में सोचिएगा तो मैं बस तुम्हारा शरीर का कंचन कर दे सकती हूँ ठीक है माँ जब माँ की बात है माँ के दरबार पर ऐसा बात बोल रहे हैं तो आपको मैं आज्ञा के मैं पालन करता हूँ ठीक है जी मैं ठीक है माँ जाओ मैं जाता हूँ ठीक है जाओ ऐसा करो कि तू तो सुखर आ गया हम तो भींज गए तू भींज गए लो जी ठीक है तेरा दूसरा वस्त्र बदले हम तो सुखले ही हो यार गोपाल हाँ ऐसा करो बहादुर कि तुम भी स्नान कर लो और हम तो स्नान कर कर नए वस्त्र में पहन ली स्नान कर का वो हाँ स्नान तुम भी कर लो पानिया पड़िए रहे एक में कर ले यार नहीं एक तो पानी पड़ रहा है और दूसरे में इंद्रा से पानी निकाल कर तुम स्नान कर लो पानी निकाल के हाँ ये मलकिन हमारा बड़ी ठंडा लगा हो ये हम नहीं है वो क्यों हाँ जी ठंडा लगा है ता त्रिपाल
इस घाट पे, इस स्थान पे जो आते हैं, जो व्यक्ति आते हैं वो स्नान कर कर जाते हैं तो पाप उन्हें कट जाता है दर्पा से। हाँ तो निहाल का वो, हाँ निहालो जी क्या लगा कि एक और गाना ना कहते निहाली ना? नहीं तू नहीं, हम माँ को प्रार्थना करते हैं। माँ को प्रार्थना करो। हाँ करो ना भाई करो। या माँ देवी, या माँ दुर्गे, मैं आपको बात मानकर ए तुलसी चौकीदार पे मैं आ गई, बाकी अभी तक मेरे सुरमा नहीं आए, मेरे प्रार्थना सुनो माँ। हाँ इस कले पर विजिंदर पासवान, विजिंदर पासवान नालंदा जिला की रहने वाले हैं, इसी कले पर 100 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमको तरफ से प्रणाम रहेगा, उनको तरफ से आशीर्वाद। हे भगवान, हे प्रभु, इसमें रानी रेशमा ने ठीक नहीं किया है कि आज मैं कोढ़ी का भेष में इंद्र चौकीदार पर मैं पहुंच रहा हूं, लेकिन ठीक है, अच्छा घर भी तू न्योता दी है, जो तुम बूढ़ी राजा हुआ है कभी नहीं हो सकता है।
मिलला पर खुश होकर विजय पासवान चुहारमल कन्हैया के रहने वाले और बिहारी ठाकुर जी इस कला पर खुश होकर अपना इनाम फरमाए हैं। धन्यवाद। हे भगवान बहन के बपर कोई ऐसा पानी पिला देता तो मेरा प्राण बच जाता। पानी पानी अरे तेरा ब... ये मलकिनी अरे ना मान जी देखो ना जी बहन के बपर पानिया छूट गई जी ई कौन है। हाँ ये लगता पागल कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी आवा ये काचू आवा पानी आना हमारे अच्छे या जी पानी दे दालाल पीले जी हमारे सब तो खराब कर दिया है। देखो ना और सीढ़ियां पर चढ़ा भैया पर पानी पी ले पानी पिला दीजिए ना। अरे कोढ़िया जो ने हाँ इसी कले पर यश कुमार पासवान ने हमको 100 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमको तरफ से प्रणाम रहेगा आपको आशीर्वाद। अच्छा ये मिया ए कोढ़िया ये क्या अच्छा ये पहले बता तो पानी पानी कर दूर दूर से बोल। ओहो इसी काले पर सनिचर पासवान गया के रहने वाले हैं। 100 रुपया का मैं मुझको पुरस्कार किए। अच्छा सुन ए अरे देखिए रे देखिए को चल। अच्छा ये पहले बता क्या तू पानी पानी कर रहे हैं। हां हां भैया पानी दीजिए ना। आप दूर से बोल दूर से बोल ना दूर से बोल ना कुइया बिला बला पानी पीमा कि टोटी वाला। ये बताओ कि टोटी वाला पानी कैसा होता है
और कुइया वाला पानी कैसा होता है भाई? पानी सब का समझता हूँ। सुन क्या है, कुइया वाला पानी लाओ ना। अच्छा, कुइया वाला पानी फुकरे ना लगता और टोटी वाला पानी मीठा लगता। टोटी वाला पीवे की कुइया वाला? कुइया वाला पानी दीजिए ना। तेरा भाई कोढ़ी तोढ़ी देखो, जाते हमको मारिएगा तो थूक पड़ा देंगे ना, तो कोढ़ी हमको निगर हो जाएगा। कोढ़ी फोड़ देता है। हाँ हाँ, कोढ़ी फोड़ देता है। अरे तेरा भाई, अरे हमारा कोढ़ी फोड़ दूर तोरे सब खंडा नमक फोड़ दो, कुल्ले का फोड़ दे, पर कुल्ले खंडा नमक का फोड़ दे, इसाफे का फोड़ दे तू। अरे पागल, मेरे राज के लोग हैं। ये करा खंडन मन को लेना है। सुनो हे भगवान, हमको ठीक कर दीजिए, उसको कोढ़ी बना दीजिए। भले तोरे कोढ़ी बने तो तोर मैया के बहनी के सबके तोर पापा आए रे। अच्छा ही पहले बता, चोरी उरी कह कर रहनी जे कोढ़ी फूट गेलो? हे भगवान, चोरियो हम ये मलकनी हमरा लगे गुंडा हो तेरे पर। हां जी, हमरा लगे गुंडा होता ना कोलिया पर। कृपाल, छोटी बात छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। तू इसी जगह रुको, मैं इससे पूछताछ कर लेते हैं। अच्छा ये पहले बता, तू कहां से है? कहां से? हां, तोर घर द्वार कहां? हमको से जब पूछता है घर द्वार तो मैं घर कहाँ बता सकता हूँ? मैं भिखारी हूँ, कोढ़िया हूँ, काया हूँ, जहाँ गौजौन गाँव में जाता हूँ, मांगती मांगती वही गाँव में बिहान करता हूँ। तोर बाप माई के नाम? मैं नहीं जानता हूँ। आए रे तेरा भाई, ये काय की ना जाना ही तो ये पहले बता, तोर बाप माई है ना तो तू कहाँ से? महुआ के खोड़हर में से। सुनो सुनो, पानी पिला दीजिए। पानी पिलाऊंगी, बाकी एक शर्त है। क्या शर्त है? सुनो, पानी पिला दो। अरे तो भाग रे, तू इससे लफड़ा ले क्यों? इधर इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ क्या कि तू इस कोरी भेष में ए तुलसी चौराहे पे आई हो तो आने जाने वाले का रोक नहीं है। बाकी ये बताओ कि क्या तुम्हें नाम है, क्या तुम्हारे मकान है, क्या तुम्हारे पिताजी को नाम है, जो मैं कहकर बताओ। अरे मलकिनी, मेन तो बात यह हो मलकिनी कि कोढ़िया जब से जे बारिश होवे ये सब छूट गए। हाँ
क्या आज की अले बतैया ए बहिनी क्या अब पिताजी के चाहे बताओगे आबा गुरु के का समिया हो कोहिया आहो गुरु के का समिया हो कोहिया आहो तोहरा के कलिए भलाया हे देवी मां ई की बात है सुनता हूँ हे चवचबात हलरे कोहिया अच्छा हे चवतारा हलला कोहिया आहो अकेला की नवा भलाया हे सिकरा ले हलिया हो कोहिया चवता आहो सिकरा ले हलिया हो कोहिया जब होश आवास हो जाता है चलने बोलने सीखने को जो लूर ज्ञान देते हैं तुम्हें कसम तुम्हें देते हैं कि सच हालत बताओ भगवान अब मैं क्या कर सकता हूँ हे मलकिनी ऐसा कर रहा तो नहीं बताओ हमें मैदान से अब मैं क्या कर सकता हूँ मां जी बोली थी कि नहीं पहचान पाएगी तो मैं चले आया अब यहाँ गुरु कसम की बात है जब गुरु को सब खाता हूँ तो सत्य नाश होता है मैं छाछित होता हूँ तो धर्म नष्ट होता है कौन अच्छा है मैं सोचता हूँ हे देवी माँ इस समय आ गया है क्या हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन ठीक है गुरु का सब खाता है तू महाबाप कहता है जब मैं अपना देह पर इजलील लेता है तो पाप नहीं होता है ठीक है इसमें अपना साचित रूप में दिखला देता हूँ अब दिखला कर मैं बातचीत करता हूँ लेकिन गुरु कसम कैसे खा सकता हूँ नहीं सुनो क्या जब गुरु कसम की बात बोल रही है तो अवश्य मैं अपना नाम गांव का बताऊंगा ठीक है सुनो आ बहिनी सुन ले
गया हमारो अरे तू नसी चार राई दनाता खिलावा कसमिया बहिनी आ तू नसी हे चौड़ा पाछा अरे घर वाले पार है पहिना अनन तुरा कैनिया न हमार अरे देखिया के ना पार रहले मेरे सुरमा कहा ये कोढ़ी कह रहा कि मेरे नाम सुरमा चुहलमल है तेरे पास तो कुछ कहो ना जी दूध वंशी जात में कोढ़ी कह रहा है बहन के बापर अच्छा है जी कोची का है मेरे नाम सुरमा चुहलमल कोढ़ी के क्या शोभान जिसको तुम खोज रही थी क्या मेरे सुरमा आप ऐसे भेष में मेरे पास आए भेष भी आने की कारण है कि बनाओ कि तुम तुलसी चरणार पर कौन ऐसा बिना ही विधि है रति है इसी कारण से मुझको आने ही पड़ा है खुश रहो जी, तुम कभी पता नहीं है हमारा को पता रहता है तेरा बहन कोढ़िया हलो ना जी ओरे मार के भगा में हलियो अरे ये बताओ कि कोई ऐसा भिखमंगा आएगा कोढ़ी आएगा तो तुम चंडाल उसको मारपीट करेगा कहे देखो ये मंदिर पर देवी माई के मंदिर पर चढ़ा कर ले तोरे मारपीट के भगवान न रहिया जे अरे तुम राजा की बहादुरी द्वारपाल है ना भैया ये सुनो नहीं जानता तो मैं सबक सिखा देता हूँ भगवान हम में तुम में हम में हम माँ में भी भगवान होते हैं भगवान कौन रूप से आएंगे कोई दुनिया नहीं जानता है कि किस तरह से भगवान से भेंट हो सकता है बहादुर कोई कोढ़ी या लंगड़ा देखकर हंसना नहीं मारना नहीं तो तोरा पता ना हो कि अमीर कितना अमीर जन हूँ कि कितना से कितना अमीर रहूँ छोट जात के जल्दी ना पूछा है वो चावस बेटा चावस